दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों की। जब सब अपनी अपनी हांकें और कोई किसी की ना सुने या किसी की ना सुनी सुनाई जाए, तब ये ध्यान में रखना कि एक सुप्रीम भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जो सही गलत के फैसले से सबको अवगत कराता है। और जब सब गूंगे बहरे अंधे हो जाएं, तो फिर अपना फैसला निष्पक्ष होकर सुनाता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आज की तारीख ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों के साथ, जिसने कि देश की राजनीति को एक नई नज़ीर दे दी, या ये कहें कि देश की राजनीति के अंदर इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। पहला वो फैसला जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी यानी कि जो दिल्ली में जिसकी सरकार है उसकी बाँछें खिल गई हैं, और दूसरी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कशन दिया, जो फैसला दिया। चलिए दोनों मुद्दों पर आपके साथ बात करते हैं, बारी बारी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर आखिर अब देश के अंदर राजनीतिक लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो पहले बात करते हैं आपसे दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल उस सरकार के मुखिया हैं। लगभग 8 साल हो गए दूसरी सरकार चलते हुए, लेकिन सरकार होने के बाद भी बेचारगी वाली कंडीशन में हमेशा दबे कुचले अंदाज में अरविंद केजरीवाल, जो ये कहते हैं कि राजधानी में उन्होंने इस अंदाज से अपनी पार्टी की सरकार चलाई है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और हाँ, कुछ ऐसे शायद लोग होंगे, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या दूसरी विचारधारा के लोग हों, कि इस बात को स्वीकार ना करें। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी छाप लगाई, जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो दिल्ली के माई बाप को लेकर, दिल्ली का बॉस कौन हो, दिल्ली का मुखिया कौन हो, इसको लेकर रार होती रही, बहस चलती रही, मुद्दे उठते रहे, राजनीति गर्माती रही। हर बहस में मुद्दा भी यही रहा कि आखिर दिल्ली का वास्तविक बॉस कौन है, आखिर दिल्ली का वास्तविक मुखिया कौन है। और आज इस सवाल को, यानी कि दिल्ली का बॉस कौन है, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो एक पीठ बनी, उसने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था यानी कि प्रशासन, ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, और ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि जो दिल्ली की सरकार को चलाना है, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग देनी है, वो सब दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। तो देखा जाए, यहाँ दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जीत बता रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा साफ कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है तो प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अधीन रहनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मामलों में जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो LG के होंगे, लेकिन वो भी दिल्ली सरकार की सलाह से ही काम करेंगे। आइए समझते हैं पूरा मुद्दा है क्या, आखिर ये पूरा मुद्दा क्या था जिसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD एक्ट 1991 लागू है। केंद्र सरकार ने इसे लागू किया था। वर्ष 2021 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, और उन बदलावों में दिल्ली सरकार के अधिकार कम हुए, दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम किया गया। और इस फैसले में, इस जो बदलाव हुआ, इसके अंदर LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए, और दिल्ली सरकार को अपने फैसलों में LG की राय की रजामंदी कंपलसरी कर दी गई। यानी कि यह कर दिया गया कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, जो भी फैसला करना हो उसके लिए उन्हें उपराज्यपाल की सलाह, उपराज्यपाल की राय जरूरी होगी। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल और LG के बीच रार बढ़ने लगी। आम आदमी पार्टी सरकार खुद को बिना शक्ति वाली सरकार कहने लगी। केजरीवाल जी को तो इस बात से बहुत विकट आपत्ति हुई कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल क्यों, और केंद्र सरकार द्वारा एक्ट में हुए संशोधन को दिल्ली सरकार ने कोर्ट में चुनौती दी।
अदालत में दिल्ली की सरकार ने मांग की कि पुलिस जमीन और कानून व्यवस्था जैसे कुछ मुद्दों को छोड़कर अन्य मामलों में फैसले और उन्हें लीड करने का अधिकार चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। अदालत में कहा गया कि खास तौर पर प्रशासनिक ढांचे का नियंत्रण दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथों में हो ताकि प्रशासन चलाना सरकार के लिए सहज हो। यही मुद्दा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी जीत के बाद दिल्ली के अंदर जश्न मना रही है। दिल्ली में जश्न का माहौल है। वैसे तो दोस्तों, ये मुद्दा करीब करीब तभी से ज्वलंत है जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। कभी सर्विसेज के मामले में राइट्स किसके होंगे, केंद्र के होंगे या दिल्ली के होंगे, मामला दिल्ली सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा, इनमें रार चलती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वर्ष 2019 में दो जजों की राय इस सवाल पर अलग अलग थी। तो बीते साल यानी कि 2022 में ये मामला संवैधानिक बेंच को रेफर किया गया और फैसला दिल्ली सरकार के फेवर में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी और विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई, ये अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में था। दूसरा ट्वीट आया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के संघर्षों की जीत है। तो दोस्तों, ये बात थी दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, जहाँ की सरकार को लेकर, सरकार के अधिकारों को लेकर, सरकार की सत्ता को लेकर पिछले 9 वर्ष से संघर्ष चल रहा था। और आज माने तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कोहरे को जो अधिकारों की जंक पर छाया हुआ था उसको साफ कर दिया और अब ये हो गया कि दिल्ली के वास्तविक बॉस अरविंद केजरीवाल हैं। और इसके साथ एक बात और हो गई कि जो आज तक अरविंद केजरीवाल बेचारगी वाली बातें करते रहे, अगर आगे भी करेंगे तो देश की जनता भी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, अगली बात करते हैं देश की राजधानी के बाद देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहाँ इस समय एकनाथ शिंदे की सरकार है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर आज यानी कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले के निष्कर्ष पर जाने से पहले आप मुद्दा समझिए कि आखिर मुद्दा था क्या। महाराष्ट्र की सियासत में वर्ष 2022, जो जून 2022 में शुरू हुआ था, सियासी घमासान मचा हुआ था। शिवसेना में बगावत हुई थी वर्ष 2022 के जून महीने में। जब बगावत हुई तो एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर रहने को लेकर आपत्ति जताई। 16 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एकाएक विधायक दल की बैठक से गायब हो गए। उस समय के जो डिप्टी स्पीकर थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने विधायकों को नोटिस जारी कर उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू कर दी। और इधर बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए पत्र भेज दिया, लेकिन इसे इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि लेटर को प्रॉपर रूप में नहीं भेजा गया था। जो विधायक थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो 16 विधायक पहली टर्म में गए थे, उन विधायकों ने खुद के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इसके साथ साथ ही अपनी संपत्ति और जान को खतरा बताते हुए राज्यपाल से भी कॉन्टैक्ट किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे उन दिनों। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से विश्वास मत हासिल करने के लिए कह दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। और इस प्रकार एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। 30 जून को मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और इसके साथ साथ जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको शपथ दिलवाई गई उप मुख्यमंत्री की। राज्यपाल की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उद्धव ठाकरे खेमे ने भी उसी समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस प्रकार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई उसमें यह मांग की गई कि बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। ये बागी विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इन विधायकों पर
पार्टी विरोधी गतिविधियों की तारीख से ही अयोग्य साबित करने की कार्रवाई हो, और अगर बागी विधायक जो थे जिस दिन से उन्होंने गतिविधियां शुरू की थी तब से अगर उनको अयोग्य साबित कर दिया जाता तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। राज्यपाल पर भी कार्रवाई की जाए, ये सवाल उठाए उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बदले में शिंदे गुट ने जो याचिका दायर की उसमें कहा गया कि स्पीकर द्वारा अयोग्यता का नोटिस गलत है, उन्होंने स्पीकर की पावर पर ही सवाल उठाए। एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका में कहा कि उनके विधायकों को केंद्र सरकार से सुरक्षा दिलाई जाए। 16 विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर यानी कि जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई करने से रोका जाए और कानून के तहत भेजे गए समन को खारिज किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों गुटों के बीच चल रहे इस अहम मुद्दे पर बृहस्पतिवार को जो फैसला सुनाया गया, वो फैसला अगर ये कहा जाए कि वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के फेवर में रहा या उद्धव ठाकरे के ग्रुप में रहा, इस पर फैसला किया जाना अभी बाकी है। मान लिया जाए कि फैसले में 5 जो अहम पहलू थे उनमें से 4 पहलू तो उद्धव ठाकरे के फेवर के थे और 1 जो पहलू था वो एकनाथ शिंदे का फेवर का था, और उस एक पहलू से ही एकनाथ शिंदे की सरकार बची रह गई। अदालत ने साफ शब्दों में यह कहा कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुनाएगा, इसका फैसला लेने के लिए स्पीकर को आदेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट को सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया तो आखिर उनका मुख्यमंत्री पद पर बहाल करना कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था तो अदालत उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकती। बस एक यही वाली बात है जिससे कि उद्धव ठाकरे गुट आहत हुआ होगा, एक यही वाली बात है कि जिसने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बहाल करने से रोक दिया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल का उद्धव ठाकरे सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना ही गलत था। राज्यपाल ने शिवसेना के उन विधायकों के गुट की बात पर भरोसा करके गलती की जिन्होंने कहा था कि उद्धव के पास विधायकों का समर्थन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर का शिंदे गुट के भगत गोगावले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करना भी गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को उसे ही व्हिप मानना चाहिए था जिसे शिवसेना ने नियुक्त किया था। अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं आखिर गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चला सकता था। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि शिवसेना के अंदर जो बगावत हुई थी और जो बागी गद्दार लोग थे उनके साथ रह करके सरकार चलाना मुश्किल था, इसलिए नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, ये उद्धव ठाकरे कहते हैं। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर शिंदे सरकार में कोई नैतिकता बची है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और उद्धव ठाकरे के इस ट्वीट के जवाब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं इस बात का जिक्र आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले इस प्रकार की बात चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार बन सकती है। खैर भविष्य कैसा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने कहा है कि उद्धव से नैतिकता नहीं बल्कि हार की डर के वजह से इस्तीफा दिया था। फडणवीस कहते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे में उस समय नैतिकता कहाँ चली गई थी जब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और NCP के साथ गए थे। खैर ये राजनीतिक बातें हैं और राजनीति चलती रहेगी। आज जो मुद्दा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये दो फैसले थे, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई, इन दोनों पर लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, मान लिया जाए कि ये भविष्य की राजनीति के लिए एक अलग प्रकार का संकेत होगा। मान लिया जाए कि देश की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले नई नज़ीर पेश करेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति गर्म है, इस राजनीति में और किस प्रकार की गर्मी आएगी ये सब भी देखने के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है। 2024 का साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर छोटी से बड़ी उठापटक चुनावी रंगमंच पर अपना असर दिखाएगी, अपना रंग दिखाएगी।
उस समय तक चुनावी रंगमंच पर पहुंचते पहुंचते किस प्रकार के हालात बनेंगे उस पर पल पल की नज़र हम रखेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।